Welcome everyone to our channel Water Campus. So please subscribe our channel to know more about the latest update on water. Water Campus में gas chlorination को थोड़ा हम detail में समझेंगे. Gas chlorination जो होता है ये एक disinfection process है. डिसइंफेक्शन मतलब कि पानी में से आपके बैक्टीरिया वायरसेस को रिमूव करता है, उसको डिसइंफेक्ट करता है. क्लोरीन गैस जो ग्रीनिश येलो कलर की गैस है, इट इज़ हैवियर देन एयर, हवा से भी भारी होती है. जो बेसिक टर्मिनोलॉजी रहती है इसमें, क्लोरीन टनर, क्लोरीनेटर्स हो गया, लीक डिटेक्शन सिस्टम हो गया, और क्लोरीन रिएक्शन विद वाटर एंड क्लोरीन रिएक्शन OH. क्लोरीन जैसे बताया Cl2 जो होता है, जब इसको हम पानी में ऐड करते हैं, मतलब Cl2 प्लस H2O करते हैं, तो दैट इट वो ब्रेक होता है HOCl में, हाइपोक्लोरस एसिड होता है, और फर्दर ब्रेक होता है OCl में, हाइपोक्लोराइट आयन होता है. तो हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयन जो होते हैं ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं. जो गैस ये जो Cl2 होती है ये बहुत टॉक्सिक होती है और पॉइजनस होती है, और टॉक्सिक और पॉइजनस होने की वजह से बैक्टीरिया और वायरस होता है उसको किल कर देती है. वो ह्यूमंस के लिए भी टॉक्सिक होती है, ह्यूमंस को भी वो मार सकती है. तो जहाँ पर भी गैस क्लोरीनेशन सिस्टम लगता है, लीक डिटेक्शन सिस्टम भी लगाना ज़रूरी होता है. लीक डिटेक्शन सिस्टम हुआ कि अगर आपकी क्लोरीन गैस लीक होती है तो दैट इज़ वो बहुत पॉइजनस होती है, तो उसको डिटेक्ट करके फिर उसको किस तरीके से नलीफाई कर सकते हैं और ताकि एक एक्सीडेंट होने से बचे, तो वो भी एक सिस्टम लगाना पड़ता है गैस क्लोरीनेशन सिस्टम के साथ. तो वो भी हम इसमें देखेंगे कि वो कैसे काम करता है, कैसे नलीफाई करते हैं और किस तरीके से गैस क्लोरीनेशन सिस्टम वर्क करता है. ये जॉइंट्स जो है वो लीक हो जाता है. ओके, ये लीक होता है जॉइंट्स. जॉइंट्स लीक हो जाता है तो सब में सक्शन होना चाहिए. वैसे देखा जाए तो सब में इधर इस टाइप का सक्शन सब में होना चाहिए ना. ये एक्चुअली क्या है, हमारा हमेशा मूविंग जॉइंट्स है. एक तरीका में सिलेंडर बदलना, तो इसको खोलना फिर डालना, ये डैमेज होने का चांसेस ज्यादा है. यहीं से फिल करते हैं हम क्लोरीन. हां, क्लोरीन वो लोग यहीं से फिल करते हैं, इसको ओपन करता है और फिल करता है. डिफ्यूज भी यहीं से करता है, इसलिए ये थोड़ा डैमेज होने के लिए ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए इधर ही डालता है. बाकी नहीं तो सारा फिक्स है. हम कुछ और इनमें भी यहीं से डालेगा. हाँ जी, हाँ जी, है ना. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ये जो पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट, हाँ, ये यहाँ भी होना चाहिए ना यहाँ भी. लेकिन हमारा एक्चुअली 2 यूज्ड सिलेंडर्स है. बाकी ये सेट के लिए दोनों स्टैंड पर ही है, और ये सेट के लिए ये दोनों स्टैंड पर ही है, इसलिए जो वर्किंग है उसमें ही लगाया. इस वर्किंग में लगा है. हाँ, ये वर्किंग में है. अगर आपका खत्म हो जाए तो आप इसको उठा के चेंज करना पड़ेगा इससे. ये EOT से चेंज करेंगे इसको, उठा के यहाँ डालेंगे और यहाँ से. ओके, तभी आपने ये सक्शन है. हाँ, इसको सक्शन करेगा यहाँ से और ये पाइप ले जाता है. लेकिन अभी बंद कर दिया था. सक्शन है और ये प्लेट किस लिए किया है? थोड़ा सा वैक्यूम बना रहेगा उतना परफेक्ट नहीं है, फिर भी थोड़ा हद तक सेफ. तो ये जैसे ना, जैसे एक बार ये जो है ना, ये आपको एक पाइप आया हुआ इधर, ये वाला पाइप. ये कौन सा होगा पाइप? ये क्लोरीन वाला, इसमें से क्लोरीन जाता है. ये सक्शन लेता होगा ना कुछ पंप के थ्रू? नहीं नहीं, वैसे प्रेशर की वजह से चले जाता है. वैसे इसके अंदर 16 बार प्रेशर चले जाता है. 16 बार प्रेशर है. हाँ, तो उससे ये अपने आप ही इसमें आता है और ये प्रेशर से हम देख सकते हैं. ये प्रेशर गेज है इसका हम देख. हाँ, सकते हैं. और ये डिफरेंशियल रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर है इसका. हाँ, और इधर से पास होकर अंदर डिफ्यूजर फिर यहाँ से आता है. अच्छा, इसमें आता है फिर. ये फ्लो मीटर टाइप हो गया ना अपना, कितना इसमें जा रहा है अपना. ये बताएगा कि कितना
केजी पर आवर है और फिर ये इसके बाद ये मीटर से जाके इंजेक्टर के अंदर जाएगा और ये इंजेक्टर ये बूस्टर पंप है ये वर्किंग प्रेशर इसका 4 bar अच्छा वो इंजेक्टर में डालेगा और ये बूस्टर पंप लीटर वाटर को सट करके मिक्स करके फिर फेंक देता है इसको यहाँ से लेता ये इंजेक्टर है इंजेक्टर मतलब एक तरीके से आपका वो बॉक्स ही होगा बस इसमें पानी गिरे ऊपर डायाफ्राम रहता जब वो इतना प्रेशर नहीं दे जाता ना डायाफ्राम को नीचे खींच देता और क्लोरीन गैस एंटर होके डिफ्यूज होकर चला जाएगा ठीक है ये अपनी NRV हो गया ये बूस्टर पंप होते हैं और ये आपका ऑन ऑफ हुक्का हो गया और ये जो आपका जो सिस्टम है ये यहाँ होता है यहाँ होता था ये निकाल दिया था बार बार दिक्कत ठीक है यहाँ से जो भी लीक हुआ ना हमारा क्लोरीन Cl2 वो ये वाला जो पाइप है ये इसको एब्जॉर्ब करेगा मतलब तो सक करेगा टर्बाइन ब्लोअर है यहाँ आ गया सक करता हुआ इसका पाइप ना और इसका डिस्चार्ज अपना जाता है इसमें ये टैंक है जिसके अंदर कैस्टिक सोल्यूशन है यहाँ पे अपना पंप होता है पंप पानी इसको सक करके और ऊपर डालता है ताकि सोल्यूशन मिक्स हो जाए और वहाँ और इस वाले से जो अपना वो आ रहा है क्लोरीन गैस जो आ रही है यहाँ पे इधर उसको फिर वो नलीफाई कर देता है मिक्स करके क्योंकि Cl2 और अपना NaOH NaCl बनाता है सॉल्ट बनाता है जो नीचे गिरता है और H2O बनता है अब कॉस्टिक टैंक में क्यों डालता है देखो रिएक्शन होता है Cl2 जब आपका NaOH जो है यहाँ पे फ्लेक्स के फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म में है जब आपका Cl2 NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो वो NaCl सोडियम क्लोराइड एक सोल्ट बनाता है और NaOCl दैट इज हाइपोक्लोराइड बनाता है हाइपोक्लोराइड जैसे हमें बताया कि ये एक लिक्विड क्लोरीन है वो भी एक डिसइंफेक्टेंट होता है तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है जो पॉइजनस गैस जो लीक हो रही है उसको वो कन्वर्ट करके हाइपोक्लोराइड और NaCl में कन्वर्ट कर देता है इस तरीके से हम एक एक्सीडेंट से बच सकते हैं बचा जाता है तो अब हाइपोक्लोराइड का अगर हमने थोड़ा बताया तो सोडियम हाइपोक्लोराइड एक लिक्विड फॉर्म में होती है येल्लोइश कलर की होती है लाइट येल्लो कलर होती है वो भी एक गुड डिसइंफेक्टेंट है कोरोसिव होता है और सोडियम हाइपोक्लोराइड का एक प्रॉपर्टी है डिकम्पोज वो अपने आप ही डिकम्पोज कर देती है अगर उसको विद द टाइम आप देखोगे कि स्लोली एंड स्लोली डिकम्पोजेज नेचुरली तो उसको एक क्लोज कंटेनर में रखा जाता है और आप देखोगे कि गैस क्लोरीनेशन हो गया लिक्विड क्लोरीनेशन हो गया दोनों में फ़र्क क्या है कि हैंडलिंग का फ़र्क है गैस क्लोरीनेशन थोड़ी पॉइजनस होती है थोड़ा रिस्की होता है और लिक्विड जो क्लोरीनेशन है वो सबसे ईजिएस्ट टू हैंडल होता है गैस क्लोरीनेशन बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है वेयर एज लिक्विड जो होता है दैट इज़ थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है एज कम्पेयर टू दिस बट दोनों में प्रॉपर डिसइंफेक्शन होता है